स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ओके, मीन्स सर्कमफ्रेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कई बार बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर्कमफ्रेंस जो होता है कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है. तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे. जी, एक थ्रेड की हेल्प से मैं आपको सर्कमफ्रेंस के बारे में समझाऊंगी अभी. ओके, तो ये जो थ्रेड है बेटा हमारे पास, दिस इज़ अ पीस ऑफ थ्रेड. तो इस थ्रेड को हम क्या करेंगे, हम सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर तरीके से, राइट. तो एक तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एंड वी विल मूव दिस थ्रेड. यहाँ से हम पूरे थ्रेड को क्या करेंगे, हम मूव करते हुए हम पूरा जो है इस सर्कल के ऊपर इसको बाउंड्री को हम इसको प्लेस कर देंगे. ओके, ट्राई करते हैं कि ये पूरा पूरा ऊपर इसके फिक्स हो जाए. यस, दिस इज लाइक जस्ट लाइक दिस. तो जहां से हमारा ये सर्कल स्टार्ट हुआ बेटा, वहीं पे हम इस पॉइंट को हम छोड़ेंगे. यहां से थोड़ा सा यस, इट इज जस्ट लाइक दैट. ये आप देख रहे हो, कोशिश कर लेते हैं हम फिर से. यस, ओके, ठीक है बेटा, लगभग हो ही गया है. मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से एक थ्रेड लिया हमने, थ्रेड को हमने क्या किया, एक सर्कल की बाउंड्री के ऊपर पूरा प्लेस कर दिया. और हमने क्या किया बेटा, ये यहाँ तक आ रही है इसकी लेंथ, ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा वन. अब हमने इस थ्रेड को लेके हमने इस थ्रेड को पूरा खोल लिया, राइट. अब इस थ्रेड की हम क्या करेंगे, हम मेजरमेंट कर लेंगे थ्रू स्केल. तो स्केल के साथ हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को मेजर कर लेंगे कि ये थ्रेड जो है कितना लंबा है. तो एक बड़ा वाला स्केल ले लेते हैं हम, दिस इज अ लॉन्ग स्केल. तो इस लॉन्ग स्केल पे बेटा ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया, ठीक है. तो इसको इस तरीके से हम इसकी लेंथ जो है बच्चे उसको मेजर कर लेंगे. तो लेट्स सी कि कितनी लेंथ है इसकी. इट इज़ नियर अबाउट 18 एंड हाफ. ओके, तो 18 एंड हाफ सेंटीमीटर जो है, दिस इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो ये थ्रेड से हमने पता किया, ठीक है. तो बेटा ये कितनी आ रही है, इट इज़ 18.5 सेंटीमीटर. ओके, तो बेटा जो डायामीटर का और ये हमारा जो सर्कमफ्रेंस का रिलेशन रहता है, डायामीटर एंड सर्कमफ्रेंस का जो रिलेशन रहता है बेटा, तो सी इज़ द सर्कमफ्रेंस. सी इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय डी. ओके, डी मीन्स डायामीटर. ओके, डायामीटर यहाँ पे 3 है बेटा, तो 3+3 कितना हो गया, 6. ओके, 3+3 इज 6. तो 6 अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इट इज नियर अबाउट 18 सेंटीमीटर. ओके, तो बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, तो जो हमारा सर्कमफ्रेंस रहता है बच्चे, ये था एक्चुअल हमारा सर्कमफ्रेंस जो हमने विद द हेल्प ऑफ थ्रेड हमने मेजर किया, एंड दिस इज द अप्रॉक्स. तो आप देखोगे इसमें ज़्यादा 0.5 का ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है. तो इसलिए बच्चे जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय डी. डी मीन्स डायामीटर, ठीक है. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6. अगर बच्चे डी की जगह में आर दिया हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 3 सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय 2 आर, क्योंकि डी जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 आर. ओके, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है जब भी हमने रिलेशन लेना है डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस का. थैंक यू.